आजाद है, हमें पूरी आजादी है अपने तरह से जिंदगी जीने की, पर क्या हमें आजादी है अपने देश को, अपने शहर को और अपने इलाके को गंदा करने की भी? इस बात पर हम नजर डालना भूल गए हैं, या यूं कहे कि ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं, कि जहां एक तरफ हमारी जिंदगी इसी आजादी के वजह से बेहतर होती जा रही है, वहीं पर्यावरण की साफ सफाई में गिरावट की समस्या का भी जन्म हुआ है। हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने आप में लागू करें। यदि हम अपने देश को स्वच्छ और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले हम सभी अपने आसपास के इलाकों की साफ सफाई के बारे में सोचें? पर क्या वाकई ऐसा हो रहा है? जहां एक तरफ हमारे शहर में साफ और खूबसूरत इलाके बसते हैं, बड़ी और खूबसूरत इमारतें, बच्चों के खेलने के लिए हरे भरे पार्क्स हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसी भी दुनिया बसती है जहां इन सबके विपरीत गंदगी ही गंदगी है। शहर की गंदगी को देखकर सिर्फ एक ही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर शहर की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन या इस शहर में रहने वाली जनता? लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के द्वारा स्वच्छता को लेकर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन स्वच्छता जो एक चीज़ है, वो किसी सरकारी मशीनरी का काम नहीं है। स्वच्छता मुझे लगता है कि अपने आप में एक विषय है जिसे हमको खुद करना पड़ता है। जब तक हम लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे, तब तक स्वच्छ नहीं हो पाए। सो गवर्नमेंट खुद ही जो सो बता रही है कि जो सो हम लोगों को उनके साथ चलना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे आदत हो गई है कि कुछ भी लेना है और डस्टबिन दिखे तो भी वहाँ ना फेंक करके कहीं पर भी डंप कर देना है, और जो सो ब्लेम बताना है कि हमारे इधर ये नहीं है वो नहीं है। जिनको दिखता है एटलीस्ट वो सिविलाइज्ड पर्सन जो है वो तो कम से कम डंप करे। शहर में चारों तरफ फैल रहे कचरों की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, जो शहर को गंदगी नर्क में ढकेलती जा रही है। पर अफसोस की बात ये है कि शहर में फैल रहे कचरों की वजह भी इस शहर के लोग हैं, जो इस कचरे की सफाई करने, इन कचरों को सड़कों, नालियों में ना डालकर सरकार द्वारा मुहैया कराए डस्टबिन में डालना, इन कचरों को रिसाइकलिंग जैसे मुद्दों पर कोई चिंता नहीं दिखा रहे। मानो जैसे सभी को कचरे में रहने की आदत सी हो गई है। यहाँ तो कुछ देखिए, बाहर फेंका लो कचरा, उससे हम ठीक से बोले कि देखो इतना साफ सुथरा, इसको क्यों नहीं डस्टबिन में डाली? तो बोले हम लोग टहलने आ रहे हैं। तो टहलने आ रहे तो डस्टबिन में तो डालो कचरा। मैंने इतना झगड़ा कि फिर हम ही चुप हो गए। आम आदमी नहीं समझता है कि फिर भी वो लोग कचरा घर से निकाल करके या कहीं भी नाली में या रोड में कहीं भी फेंक देता है, वो नहीं समझ में आता है। लेकिन समझ आना चाहिए कि कचरा होगा, गंदगी होगा, गंदगी होने से बहुत कुछ कीड़ा होगा, बहुत कुछ का प्रॉब्लम होता है। आदमी कचरा के ऊपर भी चल सकता है, उसके लिए अच्छा से अपने भी जिम्मेवारी लेना चाहिए। तो मुझे लगता है हम कहीं पे हमारे एक सेल्फिशनेस है। हम चाहते मेरे घर सुंदर रहे, मेरा घर साफ सुथरा रहे, बाहर फेंक देंगे तो क्या है, कोई तो उठा लेगा। किसी के भरोसे हम गंदा छोड़ देते हैं। और मुझे जो लगता है हमारा सेल्फ एजुकेशन की कहीं पे कमी है। अगर मैं खुद ये चीज़ करूँ, घर में बच्चों को बचपन से सिखाऊँ हर चीज़ डस्टबिन में डालना है, तो हम लोग कुछ हद तक इस पे काबू कर सकते हैं। सफाई से जुड़ी निजी प्रशासन और सरकार शहर की साफ सफाई के लिए कई जगहों पे कूड़ेदान रखा है। वह ये भी नहीं समझते कि इंसानों के साथ साथ जानवरों की सेहत को भी इससे काफी नुकसान पहुंचता है।
दूसरी ओर प्रशासन ने जहां जहां कूड़ेदान रखने का वादा किया, अब उनमें से कई जगहों पे कूड़ेदान नजर नहीं आते। पर हैरान करने की बात ये भी है कि कूड़ेदान हो या ना हो, जनता को जहां कूड़ा रखना है वो पूरी आजादी से वहां रखते हैं, फिर चाहे उनके आसपास के इलाके गंदे हो या ना हो, उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रेन में सफर करते हुए देखोगे, आप हवाई अड्डे पे बैठ के देखोगे, इतना चारों ओर डस्टबिन रखा हुआ है, फिर भी बच्चे कुछ पी लिए, कुछ खा लिए, चॉकलेट का रैपर फेंक देता है। क्या मैं अपना पैकेट तो घरा ले जाते तो आते समय खुला खाली पैकेट भी नहीं ला सकते अपने पर्स में डाल के? नहीं लाएंगे ना। हम उम्मीद करेंगे सरकार आएगी, पर्यटन विभाग के कर्मियाँ आएंगे, वो सफाई करेंगे। अभी हाल में आप देख लीजिए कि एवरेस्ट से कितना कचरा निकाला गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों का कहना है कि 20-25% अभी निकाला गया, बाकी तो अभी रखा हुआ है। तो हम ले जाते भरे डब्बे, खाली हुआ फेंक के आते हैं, किसके लिए, कौन उठा के ले जाएगा? ये तो बहुत बड़ी बात है। यह कैसी सफाई जहाँ लोग अपने घर को साफ रखते हैं और जिस शहर में उनका घर है उसी शहर के सड़कों, बाजारों और बाकी के इलाकों को गंदा कर रहे हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं कि उनकी इन गलत आदतों से उनकी ही सेहत को खतरा है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो गंदगी के कारण होती है, जैसे कि बारिश के दिन में अच्छे से घर साफ नहीं करने से या जल का जमावड़ा रखने से आसपास में मच्छर पनपते हैं और उसके कारण हम जानते हैं कि मलेरिया, डेंगू, इस तरीके की जानलेवा बीमारियां होती है। अपने देश और अपने शहर को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, यानी जितनी सरकार की उतनी ही हमारी भी। हम उम्मीद करते कि सरकार ऑन माय बिहाफ वो साफ करेंगे, सरकारी कर्मचारी क्या लग के हमारी सफाई करेंगे। सरकार तो बहुत तरह की मदद कर रहे हैं, बहुत तरह के उपाय तरकीब निकल रहे हैं, लेकिन हम सरकार को मदद नहीं कर रहे। अगर आप देखिए एट ए लार्जर पर्सपेक्टिव तो हमारे जो है हम में कमी है। अगर लोग सफाई को लेकर जागरूक नहीं है, वो अपने घर के प्रति तो संजीदा रहते हैं, लेकिन पता नहीं को बाहर जो है, बाहर के सभी इलाकों को जो है वो समझते कि कूड़ा खा। ये बहुत बड़ी समस्या है इंडियन मेंटेलिटी। ये सिर्फ हमारे सिटी की बात नहीं है, पूरे देश में, मैं कई स्टेट्स में घूमा हूँ, हर जगह तकरीबन यही स्थिति है। इसको लेकर ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक एक व्यक्ति इंडिविजुअली इसमें जो है रोल अदा नहीं करे। यदि सरकार और शहर के निजी प्रशासन गंदगी को साफ करने में कमी दिखा रहे हैं तो उन्हें मौका भी तो हम ही दे रहे हैं। अपना शहर और अपने आसपास के इलाके तभी स्वच्छ और खूबसूरत होगा जब हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। जब तक हर व्यक्ति इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति, एक एक सिटीजन अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा तब तक ये सुधार संभव नहीं है। सबको इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा सफाई के लिए। दूसरे डस्टबिन वगैरह है तो वहाँ आप लोग कैमरा लगा दीजिए, अगर कोई कुछ इस तरीके का गड़बड़ करे तो उस पर पेनल्टी रखिए, तभी लोग सुधरेंगे। छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ही बड़े बनते हैं। अगर हम हर एक कोई एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कचरे को सही जगह पे फेंके, ओके, डस्टबिन में फेंके, ओके, तो बहुत यू नो चेंजेस आ सकते हैं स्वच्छता में। एंड इट शुड स्टार्ट विद एवरीबॉडी, हर कोई यू नो अपना सहयोग डाले इसमें और कचरे को जहाँ पे डालना है वहीं डालें, कि अपने आसपास के एरिया साफ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें। जगह जगह कूड़ादान लगाए हैं सरकार की तरफ से, वो कूड़ेदान में ही कचरा डालें, बाहर कचरा ना डालें। साधुवाद देना चाहता हूँ अर्का जैन यूनिवर्सिटी के मास कॉम के छात्र छात्राओं को, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया
और स्वच्छता जैसे ज्वलंत मुद्दे को जो पूरे देश में एक लहर बनकर चल रहा है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम किया है। मैं इन सभी छात्रों को इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए ये मानकर चलता हूं कि डॉक्यूमेंट्री से लोगों में जागरूकता फैलेगी और ये छात्र आगे बढ़कर इस तरह से और कई समाज सेवा के क्षेत्र में सकारात्मक कार्य करेंगे जिसमें समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके प्रयास, आपने सोचा इतने सफाई के बारे में और हमारे समाज में कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छा करने को।